मेरा नाम अजय सेठ है। मैं मुजफ्फर हुसैन जी को तकरीबन 30 सालों से जानता हूँ। 30 सालों से मैं उनको एक दोस्त, एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन करके जानता हूँ। बट आज काफ़ी सालों के बाद मुझे बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिला है। मैं नागपुर आया हूँ, जहाँ पर अस्मिता का ऑर्गेनिक फार्म है। सर, एक कृषि प्रधान देश जहाँ पर हम देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न श्री मुजफ्फर हुसैन ने बनाया है काबिले तारीफ है। इस पूरे पैटर्न में एक अच्छी चीज़ मुझे देखने के लिए ये मिली कि जिस जगह में लोग सिर्फ मौसम्बी और संतरे उगाते हैं, उसकी बची हुई जगहों पर और उसके बचे हुए पार्ट्स पे मुजफ्फर हुसैन जी ने कम से कम 50 अलग अलग टाइप के स्पाइसेस लगाए हैं। अलग अलग टाइप के उन्होंने जैक फ्रूट्स लगाए हैं, काजू लगाए हैं। उनका उद्देश्य मैंने देखा बहुत क्लियर है और देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे से छोटा किसान है, जो सिर्फ 2 एकड़ में अपनी खेती करता है और साल का 40-50 हज़ार रुपया कमाता है, अगर वो इस टाइप की खेती करता है तो उसकी 1 एकड़ में कम से कम एक साल की कमाई अंदाज़ा खर्चा करने के बाद मैं समझता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए। और ये जो पैटर्न इन्होंने बनाया है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में जितने भी आसपास के, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र भर के जितने भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास एक गाय है, जिनके पास एक ट्रैक्टर है, जिनके पास दिन का 1,000 लीटर पानी है, अगर वो इस पैटर्न को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो शेतकरी, वो किसान अपने आप को आने वाली ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही एक सुखी जीवन बिता सकता है और आमदनी का बहुत ही अच्छा एक साधन दे सकता है। इस पूरे काम के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं अपनी तरफ से और हमारी एक जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है, इसकी तरफ से श्री मुजफ्फर हुसैन को दिल से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू।